हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2024 के बारे में। जैसा आपने देखा होगा, अभी रिसेंट में आपने एक न्यूज़पेपर में अपडेट देखी होगी कि सर काफ़ी सारा चेंज आ रहा है सीटेट जो है ना। काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे, एक दो साल पहले से भी सीटेट के बारे में कि क्या क्या चेंज आ रहा है, कि जो एग्ज़ाम अपने पास बैंक हो गया, रेलवे हो गया और SSC का हो गया, तीनों जो है ना एक कॉमन टेस्ट होगा जिसके हिसाब से आपका प्री का जो एग्ज़ाम है वो एक बार होगा और मेंस का एग्ज़ाम फिर सबका अलग अलग होगा। तो सीटेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। हर एक पॉइंट हम लोग बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अपना सिलेबस क्या होगा, जो भी अपडेट है ना पूरा हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है भाई, जस्ट अ मिनट, एक मिनट का टाइम देना, ओनली एंड ओनली वन मिनट। एक फाइल अपलोड करते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं, एक फाइल अपलोड करते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या है ये। देखो, जैसे आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में, ये एक न्यूज़पेपर के हम आपको कटिंग दिखा रहे हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है सारा कुछ इसके बारे में। ऐसा कुछ आया हुआ था न्यूज़पेपर में जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा, कि सर 3 साल के लिए ये वैलिड होगा। कि कॉमन टेस्ट, जैसे आपने सुना होगा कि सर CET अपने पास ये जो है ना, ये CET क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और इसमें क्या होगा ना कि चाहे आप, ये 3 तरीके से होगा। पहला तो अपने पास ये हो गया कि सर 10th लेवल पे हो गया, अपने पास 12th लेवल पे हो गया, और अपने पास क्या हो गया ना, ग्रेजुएशन पे हो गया, कि जिसका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे, 10th पे और 12th पे। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें होंगी कि जैसे अपने पास जो 10th लेवल पे हो गया, जैसे MTS हो गया, जैसे GD हो गया, तो इनके एग्ज़ाम अगर आपको देने हैं तो इसके लिए अगर आप CET क्वालिफाई करते हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। 12th लेवल जैसे अपने पास CHSL हो गया और इससे रिलेटेड कई सारे एग्ज़ाम हो गए, बैंक के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे के लिए भी बात चल रही है कि रेलवे का जो एग्ज़ाम होगा ना वो भी CET के अंदर हो सकता है। सर ग्रेजुएशन पे आपका जैसे CPO हो गया, CGL हो गया, ये अपने पास एग्ज़ाम हो, और इसके साथ ही जैसे अपने पास क्या हो गया, बैंक के हो गया, PO को हो गया, SBI को हो गया, तो जितने भी सेंट्रल के एग्ज़ाम है ना तो उनके लिए एक कॉमन टेस्ट होगा अपने पास, और उसको हम कहते हैं CET। तो ये अपने पास जो है लागू होने की बात चल रही है। दिक्कत क्या है ना कि आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्या रहता है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, कि जितना हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जितना अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई हमने मैथ पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, GS पढ़ लिया और अपने पास इंग्लिश पढ़ लिया, तो क्या कुछ इससे अलग भी आएगा, मैथ में कोई चैप्टर अलग भी आएगा? तो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है ना वो हम आपको पढ़ के बताते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर केंद्र के सालाना 1.5 लाख के करीब रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा अपने पास क्या है, परीक्षाएं होती है। करीब 2.5 करोड़ अपने पास आवेदन आते हैं। ये सर जो टोटल अप्लीकेंट्स होते हैं ना वो 2.5 करोड़ के समथिंग अपने पास आते हैं, फार्म होते हैं, और एक नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में टोटल अपने पास 12 से 18 महीने का टाइम लगता है कि एक वैकेंसी को क्लियर होने में, इतना लंबा टाइम लग जाता है। तो इसी टाइम को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि केंद्र की जितनी भी वैकेंसी थी, जो भी ग्रुप बी की वैकेंसी और ग्रुप सी की वैकेंसी है ना, ग्रुप सी की वैकेंसी, इनको दोनों को एक साथ करवाने के लिए इन्होंने क्या किया, CET लागू किया। अभी लागू तो हुआ नहीं, इसमें क्या है ना कि अभी इस पर बात चल रही, जैसे ही लागू होगा तो इसका नया आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। हाई स्कूल लेवल पे अलग, 12th पे अलग, ग्रेजुएशन पे अलग, तो सारी चीज़ें आपको जैसे ही आता है कोई अपडेट तो हम आपको अपडेट बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पास क्या ना, जैसे आपने यूपी में देखा होगा, यूपी में आपका PET का एग्ज़ाम होता है, PET का एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ भी जैसे PET का एग्ज़ाम होता है ना, सेम टू सेम ये अपने पास CET होने वाला है। कि PET के एग्ज़ाम में भी क्या होता है कि सर एक बार अपना प्री होता है, जैसे आपने, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा कि सर अपने पास क्या होता है, एक बार अपना प्री हो गया, फिर जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम आते हैं ना, चाहे वो लेखपाल का हो, फिर BDO का हो, फिर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, ये सब अपने पास क्या होता है, सिर्फ अपने को मेंस देना पड़ता है और मेंस के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर मेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, प्री आपका पहले से क्वालिफाई रहेगा। ठीक है भाई, तो बस इतना सा बेसिक्स है। इसके अंतर्गत यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जैसे अपने पास कि परीक्षाएं कौन कौन सी होंगी, SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग पर्सनल IBPS का हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हो। ये अपने पास एक अपडेट था भाई, छोटा सा, जो हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर होंगी, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।